गुड इवनिंग। आज बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12 सेट ए, यानी जो बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास में प्रश्न पत्र जो दिया है सेट ए का फिजिक्स का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, यानी बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास, बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 क्लास 12 सेट ए फिजिक्स। ये तो बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 क्लास 12 सेट ए पेपर का सलूशन। इस सलूशन में हम आप लोगों को ये बता दें कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बता रहे हैं, और इसमें और जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब हमारे उस चैनल में आप चैप्टर वाइज ढूंढ लेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना मिले, ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। पेपर सेट ए का है, सेट ए, सेट बी की जिसका बी सी सी होगा उसका आंसर जानना होगा तो पेपर भेजना पड़ेगा, तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। यहाँ पर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज हो, तो ये सीधी डिस्ट्रिक्ट का सेट ए पेपर है ये जो आया है, तो इसमें इसका आंसर हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब पेपर कंपेयर करके आप देख लेना कि हाँ क्वेश्चन नंबर बदला है क्या बदला, उसके हिसाब से देख सकते हो, लेकिन पेपर से मिला के आंसर देखना, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं सेट ए का, ऐसा ना हो कि सेट बी वाले उसी को देख ले, है ना। पेपर का क्वेश्चन नंबर देख के, क्वेश्चन और सेट देख के आंसर देखना। तो इसमें सही विकल्प का है पहला जो है वो क्या है, सही विकल्प, सही सही विकल्प। क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे और उसका आंसर लिखते जाएंगे। लिखा हुआ है इसका जो पहला नंबर है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण। तो ये विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 90। दूसरे में क्या है, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह, चालकों में विद्युत का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है, क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व, तो इसका मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है, ठीक है ना। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, अब लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, फार्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, म्यू भी बड़ा होता है म्यू आर से। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो जिसके लिए ज़्यादा होता है तो फोकस दूरी उसके लिए कम होगी, तो लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो इसका एफ ये होगी एफ आर से, ठीक है ना। तो यानी बैंगनी रंग, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो इसका आंसर होगा बैंगनी, ठीक है। और पांचवा नंबर, 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य,
तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है 150 बटे भी अंडर रूट एंगस्ट्रॉम, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। और यहाँ भी का मान पर 150 दिया है, तो 150 बटे 150 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर जो होगा कितना होगा, एक एंगस्ट्रॉम, 1.0 एंगस्ट्रॉम। छठवां नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड की बामर श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये जो होता है वो लाइमन श्रेणी जो होती है वो उसमें पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पराबैंगनी में लाइमन। अब बामर श्रेणी जो होती है वो दृश्य प्रकाश में पाई जाती है, है ना। लाइमन श्रेणी जो है पराबैंगनी में, और बामर श्रेणी दृश्य में, और पाश्चन श्रेणी अवरक्त में, ब्रैकेट दूर अवरक्त, फंड वाली जो है अति दूर अवरक्त। तो इसमें क्या होगा, दृश्य प्रकाश, इसमें क्या होगा, दृश्य प्रकाश। और ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता जो है वो बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है चालकता बढ़ती है। तो ये पहले नंबर का प्रश्न आप लोग पेपर से देखिएगा, और सेट ए का देखना है, अब बी में पता नहीं क्या है, हम सेट ए का बता रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सही विकल्प का हुआ। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान, इसमें लिखा है पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या है कि पारा जो होता है वो भी क्या है, धातु है, तो इसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये। विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की, मुख्य धारा, मुख्य धारा, प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती है। जब विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है, मतलब स्विच को ऑफ करना, तो प्रेरित धारा जो होती है मुख्य धारा की दिशा में जाती है, और जब उसको ऑन किया जाता है तो विपरीत दिशा में, यानी ये इसकी दिशा जो है मुख्य धारा की दिशा में ही होगी, मुख्य धारा की दिशा, मुख्य धारा की दिशा में ही प्रवाहित होगी प्रेरित धारा। अब लेंस की फोकस, लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, किसी लेंस की फोकस दूरी द्रव माध्यम में बढ़ती है, तो जल में डुबाने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारा के किनारों पर प्रकाश का मुड़ना, तीक्ष्ण अवरोध या द्वारा अवरोध द्वारा के किनारों प्रकाश का मुड़ना जो होता है वो क्या होता है, विवर्तन होता है, विवर्तन। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, तीव्रता। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल द्वारा। नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं वो नाभिकीय बल द्वारा क्या होते हैं, बांधे होते हैं। हाँ, जब पियन संधिपश्च अभिनत में होता है, सुन लीजिए इसको, पियन संधि डायोड जब पश्च अभिनत में होता है तो अक्षय परत की मोटाई क्या होता है, तीन स्थितियाँ होती हैं। इसका जब ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ेंगे उसमें
14 चैप्टर जो हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया हुआ सब उसमें वैसे मिल जाएंगे। हम एक बार बता रहे हैं, वैसे आप ढूंढोगे तो उसमें सब हैं। तो पीएन संधि डायोड में अक्षय पर्त की चौड़ाई या मोटाई 10^-6 होता है। जब पीएन संधि डायोड की अक्षय पर्त की मोटाई कहेगा तो 10^-6, और जब अग्रभृति में कहेगा तो घटती है कहोगे, और जब पश्चभृति में कहेगा तो बढ़ती है। क्या पीएन संधि डायोड में अक्षय पर्त की मोटाई तो 10^-6, और यदि अग्रभृति में तो घटती है, पश्चभृति में तो बढ़ती है। तो यहाँ पश्चभृति में कहा है तो अक्षय पर्त की मोटाई जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है या अधिक हो जाती है, लिख दीजिए अधिक, अधिक हो जाती है, ठीक है ना। ये रहा तो ये हो गया सही विकल्प, ये हो गया रिक्त स्थान, ठीक। अब छह पर्त की मोटाई अधिक हो जाती है उस अवस्था में, पश्चभृति में। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य या एक शब्द जो भी। दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 L2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। एक प्रेरक कुंडली ये है, दूसरी ये है, ये L1 है, ये L2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो L=L1+L2 होता है श्रेणी में, ठीक है। और यही यदि समांतर में होता, किस में होता, समांतर में, तो 1/L=1/L1+1/L2 होता है। यानी इसका आंसर जो होगा वो तुल्य प्रेरकत्व तो L=L1+L2। दूसरा, किस प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा वाटहीन हो सकती है, तो इसमें LC परिपथ में माना जाता है, LC परिपथ में माना जाता है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। ओजोन परत के द्वारा परावैगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, है ना, ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेता है, हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ये हानिकारक विकिरणें हैं, ओजोन परत इनको अवशोषित कर लेती हैं। किसको, तो परावैगनी एक्स किरण, गामा किरण, इनको परावैगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरणों को अवशोषित कर लेती है। कौन, ओजोन परत। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है आवर्धन क्षमता बराबर होता है D/F। डी का मान होता है 25, और इसका मान कितना दिया है ये, तो ये हो गया आवर्धन क्षमता m बराबर, आवर्धन क्षमता m बराबर D/F होता है। इसके सूत्र कई होते हैं, देखिए आवर्धन क्षमता के एक सूत्र होता है M/D/U, और एक होता है M/D/F+1, और एक होता है M/D/F। ये सामान्य सूत्र है, और ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर के लिए है, और ये जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो इसमें बोला है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये फार्मूला होगा M/D/F। डी क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होता है, तो ये इसका मान 25 लिख दिए, ये तो 2.5 आ गया, ठीक है ना। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² = h·(−μ·0) ये है, ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है।
लिथियम नाभिक का प्रतीक, लिथियम नाभिक का प्रतीक Al-I-3-4-7 है। ये क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या है। क्या है? प्रोटॉन। और ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है A-Z, इसको बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं ए। ये ए है और ये क्या है? जेड है। और एन बराबर होता है A-Z, 7-3-4 इसमें होगा। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो 7 है और जेड जो है वो प्रोटॉन है। तो 3 प्रोटॉन है और ये 7 प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है ना? न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4 इसमें। ठीक। अब इसका 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर नैंड गेट का बूलियन समीकरण Y=A×B का नॉट। ये इनको आप डिटेल में और जानना है तो आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हो, 14 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब दिया गया होगा। ये इस टाइप के और बहुत से A×B का नॉट है, A×B है, A×B का नॉट है, A×B का नॉट बूलियन व्यंजक। ठीक है। अब चौथे नंबर में मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम सही जोड़ी, सही जोड़ी। इसमें पता नहीं 2 स्टेप में कैसे दिया है ना, यहाँ ए यहाँ बी, 2 स्टेप में दिया है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसको लिखे दे रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ध्रुव प्रबल, ध्रुव प्रबल, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकनशीलता, तो एक तो ये है। यहाँ लिखा है बीमाहीन एम्पियर गुणे मीटर, म्यू बराबर B/H, टेस्ला और एम्पियर मीटर इनवर्स, एक तो ये दिया है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो का टेस्ला होगा, ध्रुव प्रबल एम्पियर गुणे मीटर, चुंबकीय प्रवृत्ति का बीमाहीन राशि है और चुंबकनशीलता ये होगा। ठीक है, ये किसी का नहीं है। फिर एक और दिया है ए और बी, और उसमें दिया है अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण इस टाइप का, जैसे छपा है वैसे हम बता रहे हैं, परावैगनी गामा किरण। और यहाँ दिया है कीटाणु नाशक, अंधेरा,
सर्वाधिक आवृत्ति, और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य। तो इसमें ये बता दें, अवरक्त विकिरण में जो होगा वो अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी किरण, कीटाणुनाशक, अगामा किरण की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। गामा किरण की तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये रहा ये मैजडी कॉलम, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके ये पूरे हो गए। अब इसमें ये तो यानी ध्यान रखिएगा, सेट ए का ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प खाली स्थान और एक वाक्य और सही जोड़ी, ठीक है ना, ये पूरा हो गया। अब ये इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो दूसरा वीडियो उसका यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं वो आपको मिल जाएगा अगले वीडियो में। और जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज ढूंढ सकते हैं, सब दिए गए हैं उसमें प्लेलिस्ट में। लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो नहीं भी है तो उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको मिल जाएगा। थैंक यू।